हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो स्ट्रॉइड स्क्रीन के ऊपर है। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने केमिकल पील्स हो, पील हो, पीलिंग सॉल्यूशन हो या फिर कोई ऑयलमेंट हो, मैंने सब में उनके बेनिफिट्स बताए, साथ ही मैंने उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो स्ट्रॉइड क्रीम के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनसे वो डील भी नहीं कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है आपका क्रीम स्टेरॉइड है या नहीं है, तो उन सभी सवालों के जवाब शायद आज आपको इसमें मिल जाएँ, इस वीडियो के अंदर मिल जाएँ। तो पहला ये मैं आप लोगों को बताऊँगी स्टेरॉइड होता क्या है, दूसरा किन किन क्रीम्स में स्टेरॉइड है या नहीं है ये पहचान आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी इंसान की, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की, किसी यूट्यूब की, किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप जान सकते हैं आपके क्रीम के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। थर्ड, स्टेरॉइड क्रीम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और फोर्थ, अगर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं तो आप उनसे कैसे डील करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्टेरॉइड क्रीम है क्या। स्टेरॉइड क्रीम होती है एक लाइटिंग ब्राइटनिंग क्रीम, ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके टेक्सचर में प्रॉब्लम होता है, जिनका अनइवन टोन होता है, डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या फिर फेस पे कॉम्प्लेक्शन ब्राइट नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट या तो ओवर द काउंटर मतलब मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल पे जाकर बोल देते हैं आप लोग हमें फेस ब्राइटनिंग या फेस लाइटिंग क्रीम दे दो, वहाँ पर उन्हें वो अवेलेबल हो जाता है। उन लोगों को अंदर कुछ भी चेक नहीं करना होता उसमें क्या साल्स है क्या नहीं, वो लेकर आ जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों को फ्रेंड्स वगैरह बोल देते हैं कि यार मैंने ये क्रीम यूज़ करी है, तू भी ये क्रीम यूज़ कर, मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, तुझे भी बेनिफिट्स होंगे तो तू ये ले ले। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, तो आप लोगों को लगता है यार ये क्रीम तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है और सीरियसली मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद आपको कितने सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और 100% जिन लोगों ने इसका यूज़ किया होगा और जिन लोगों ने इसको कंटिन्यू करना बंद कर दिया होगा उनको अभी तक इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी और वो अभी तक इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसे डील कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं स्टेरॉइड क्रीम क्या है। स्टेरॉइड क्रीम एक लाइटिंग ब्राइटनिंग क्रीम है जो कि आपकी स्किन को कॉम्प्लेक्शन देता है, ब्राइट करता है। मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल होते हैं, उन पे स्टेरॉइड क्रीम नहीं लिखा होता है, उनमें अलग अलग नाम लिखे हुए होते हैं क्रीम्स के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी पहचान है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये क्रीम स्टेरॉइड क्रीम है या नहीं है। तो मैं ऐसी कुछ क्रीम्स के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसे कुछ साल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि जब आप मार्केट में कोई भी लाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम परचेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जितने भी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, लॉरेल की यूज़ कर रहे हैं या फिर लोटस की यूज़ कर रहे हैं ब्राइटनिंग क्रीम, उन सब में ये होता है नहीं, ये सब आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड्स क्रीम होती है वो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप अपनी कोई क्रीम परचेस करने जा रहे हैं तो आप उनमें साल्स चेक करें, अगर ये चीज़ें उनमें अवेलेबल हैं तो आप वो क्रीम्स बिल्कुल भी परचेज ना करें। मेडिकल पर आपको स्टेरॉइड क्रीम अवेलेबल हो जाती है, उनमें से कुछ नाम है स्किन लाइट क्रीम, ये फेयरनेस क्रीम के नाम से अवेलेबल होती हैं, मोमेट, लोबेट, क्वाडिड्रम, टीनोवेट और बेटनोवेट, ये कुछ क्रीम्स हैं जो कि फेयरनेस के नाम से अवेलेबल होती है। आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लेने से पहले उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चेक करें, अगर उनमें बीटा मैथासोन, मोमेटासोन, क्लोबिटासोल, फ्लूटिकासोन, हेलोबेटासोल अगर ये अवेलेबल हैं तो इसका मतलब वो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, तो आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। अभी मैंने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताए अगर ये आपके किसी भी फेयरनेस क्रीम के अंदर है तो आप कोई भी अगर क्रीम परचेस करने जा रहे हैं तो पहले आप चेक करें इनमें से कोई भी एक सॉल्ट भी अगर किसी क्रीम के अंदर अवेलेबल है तो आप वो क्रीम बिल्कुल भी परचेस ना करें। इसका मतलब है उस क्रीम के अंदर स्टेरॉइड अवेलेबल है जो कि आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपकी स्किन ख़राब कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्रीम होती है ये आपको डॉक्टर बहुत सोचने के बाद, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 हफ्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी ट्रीटमेंट में वो लोग देते हैं, उसके बाद वो उसको बंद करने को बोलते हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से ये क्रीम बिल्कुल भी परचेज ना करें, किसी के कहने पर ये क्रीम शुरू ना करें। अब बात करते हैं अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। इस क्रीम के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी स्किन पतली होने लगती है, आपकी स्किन पैची होने लगती है, जगह जगह कहीं पर ब्लैक कलर के दाग हैं, कहीं पे आपको वाइट कलर के धब्बे हो रहे हैं फेस पे,
आपके फेस का जो साइड लॉक होता है उस पर हेयर ग्रोथ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप इस क्रीम को छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद आप देखते हैं आपको ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स स्किन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको ब्लैक ब्लैक धब्बे होने लगते हैं स्किन में, आपका टोन अनइवन हो जाता है, आपको ब्लैक ब्लैक कलर के इतने ज़्यादा स्पॉट्स आने लगते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था इस क्रीम के यूज़ से, वहीं पर जब आप इस क्रीम को छोड़ देते हैं, कंटिन्यू करना बंद कर देते हैं, वहीं पर आप अपने फेस पर एक अलग फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके चेहरे में एक अलग से कालापन आने लगा। तो मैंने अभी इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो बताता है कि आपको 4 से 5 वीक तक सिर्फ इसका इस्तेमाल करना होता है। बहुत बार उस दौरान भी आपको इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस क्रीम का 4 से 5 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद हम लोग गौर करते हैं कि हमारे फेस पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकलने लगते हैं। ब्राइटनिंग तो होता है, शुरू शुरू में इसके इस्तेमाल से आपका फेस बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, स्किन में अगर एक्ने होंगे तो सारे एक्ने खत्म हो जाएंगे, अगर ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स होंगे तो सारे ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स खत्म हो जाएंगे, अगर स्किन में अनइवन कॉम्प्लेक्शन है तो आपका पूरा स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होकर पूरा एक जैसा कॉम्प्लेक्शन हो वो खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे फेस का कॉम्प्लेक्शन अनइवन है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, या अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन डल है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करता है, हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम से डील करता है। लेकिन कितने टाइम के लिए? सिर्फ कुछ वक्त के लिए। जब तक आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे फ़र्क महसूस होता है अपने स्किन के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप स्किन को फेस क्रीम का यूज़ करना बंद करते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्किन में एक अलग से रेडनेस होता है, एक अलग से बर्निंग होता है, आपको ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स आने लगते हैं, आपको बहुत सारे एक्ने आने लगते हैं, आपका टेक्सचर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि आपका पूरा टेक्सचर अनइवन हो जाता है, कहीं से ब्राइट हो रहा है, कहीं से लाइट हो रहा है, कहीं से डार्क हो रहा है, कहीं से पैची हो रहा है। आपकी स्किन में सबसे ज़्यादा जो होता है आपकी स्किन की ड्राइनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगाएं लेकिन 1-2 घंटे के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी इसको टॉलरेट कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप लोग धूप बिल्कुल भी अपनी स्किन पर टॉलरेट नहीं कर पाते, जब भी आप लोग धूप में निकलते तो आप देखते हैं आपकी स्किन सडनली धूप में जाने के 4-5 मिनट बाद ही बहुत ज़्यादा रेड होने लगती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। ये जो क्रीम्स होती हैं टेम्परेली क्रीम होती हैं, मतलब ये आपको टेम्परेली गोरापन देती हैं, ये कोई परमानेंट गोरापन नहीं देती हैं। जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो आपको गोरापन दे देती हैं, जैसे आप इसको छोड़ते हो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक जो बहुत ज़रूरी बात है मैं ये बोलूँगी कि जब आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आप इस क्रीम को छोड़ते हैं उसके बाद जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आते हैं आप उनसे डील 1 साल के अंदर भी नहीं कर पाते हैं। बहुत बार अगर आपने इसको 5 से 6 हफ्ते यूज़ किया है तो आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं शायद उनसे 3 से 4 महीने 3 से 6 महीने के अंदर अंदर रिकवरी कर लें, लेकिन अगर आपने इसका यूज़ 6 महीने या 1 साल किया है तो फिर बहुत बार तो आप 2 साल तक भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आए हैं उनसे डील नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने ये स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी है और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आ चुके हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिनसे आप उनसे डील कर पाए। तो अब बात करें, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम से काफ़ी टाइम से आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकल चुके हैं और अभी भी आप ये क्रीम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो जो आप इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप इस क्रीम को कंटिन्यू करना बंद करें अगर आपके क्रीम में जो भी मैंने अभी साल्ट बताए उनमें से अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर अवेलेबल है तो आप सबसे पहले इस क्रीम को यूज़ करना स्टॉप करो। सेकंड, आप जो भी फेस वॉश अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं आप चेक करें वो पैराबन फ्री हो, फ्रेगनेंस फ्री हो, कलर फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं हो, बहुत जेंटल फेस वॉश आपको यूज़ करना है, कोई भी झाग वाला फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं आप चेक करें वो भी पैराबन फ्री हो, कलर फ्री हो, फ्रेगनेंस फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, आपके स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, आपका स्किन पूरा दिन ड्राई नहीं होना चाहिए, आपको 3 से 4 बार कम से कम मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है अपनी स्किन में। थर्ड जो चीज़ है, आपको डेली अपने फेस पे सनस्क्रीन यूज़ करना है क्योंकि आपकी स्किन इस क्रीम के यूज़ से बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप अपना जो भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं वो SPF 50 हो, प्लस वो केमिकल फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके का फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कलर नहीं होना चाहिए, वो बहुत लाइट सनस्क्रीन होना चाहिए। और आपको वो अगर आप दिन में बाहर जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आपको अपना सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर आपको स्किन में ये सारे साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो चुके हैं, अगर आपको स्किन में बर्निंग है,
रेडनेस है, तो आप कोशिश कीजिए सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आप अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर कर ही बाहर जाएं, किसी कपड़े से, किसी लाइट कॉटन वेट दुपट्टे से, आप वैसे डायरेक्ट सन के टच में ना आए, मतलब आपके फेस पर डायरेक्ट धूप नहीं आना चाहिए, आपको धूप नहीं खाना है किसी भी तरीके से चेहरे के ऊपर। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, वो मेरा हमेशा फेवरेट है, मेरा एलोवेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मुझे स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सबसे पहले एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं तो आप डेली एक दो घंटे के लिए जब भी आपको टाइम मिलता है फ्रेश एलोवेरा लीफ तोड़कर उसे अपने फेस पे 10 मिनट मसाज करके उसको एक से दो घंटे के लिए अपने फेस पे रहने दें। आप चाहें तो ओवरनाइट भी उसे अपने फेस पे रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लो। आपको गर्म पानी फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप ये सब फेस कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोग डील नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं। कोई भी यूट्यूब देखकर, कोई भी इंटरनेट देखकर अपने फेस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका स्किन दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा, कुछ अच्छा हो या ना हो। अब बात करती हूँ मैं ये जितनी भी फेयरनेस क्रीम होती हैं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको एक दो दिन में, एक वीक में या 10 दिन में अगर आपको ये एक अच्छा लुक दे सकती हैं, आपका फेयरनेस बढ़ा सकती हैं, तो ये सब सिर्फ टेम्परेली होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है जब तक आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करना बंद कर देते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आते हैं जिनसे डील करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको नॉलेज ना हो तो कोई भी ऐसी चीज़ का, कोई भी ऐसे केमिकल का यूज़ ना करें, ये आपकी स्किन को ख़राब करेगा, अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, अब आप जब भी कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ करने जा रहे हैं, कोई भी ऑयलमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप चेक करें अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल है, तो आप वो क्रीम बिल्कुल भी परचेज ना करें। तो ये था मेरा स्टेरॉइड क्रीम को लेकर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो, अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टा आईडी न्यू राशि 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को आपकी बात का जवाब दूंगी, आंसर दूंगी। थैंक यू।